शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या पता तुम्हारे व्रत रखने से हमारा बेटा लौट आए। पूछना बंद करो तुम। अरे भाई क्या मजाक है ये? अरे उसे कम से कम खाना तो खाने दो। हम आपकी जिद के बीच में नहीं ना आए तो अब आप हमारे श्रद्धा के बीच में नहीं आएंगे। बड़ी भाग्यशाली लगती है ना ये आपको। हो सकता है इसका भाग खुल जाए और इसके भाग से हमारा बेटा लौट आए। पता नहीं आशी को और कितना सहना पड़ेगा। हमने तो अब तक अमृता से ये भी छुपा रखा है कि आशी और कुणाल की शादी नकली थी, क्योंकि हम चाहते थे कि आशी हमारे साथ शहर आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। ले बेटा खाना खा ले। अब से हर सोमवार हमारे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखोगी तो क्या पता तुम्हारे व्रत रखने से हमारा बेटा लौट आए। आशीष देख, हमें मालूम है कि तुम्हें भूख लगी है और भूख लगी है इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही। खाना खाओगे तो नींद आ जाएगी। चल खाना खा ले। पर काकी ने तो मना किया है ना, तो गुस्सा। काका कह रहे ना, काका की बात नहीं मानेगी। अच्छा एक बात बता, काकी को बताएगा कौन? भाई हम तो बताएंगे नहीं, तुम बताओगी? नहीं ना, खा लो फिर। आशीष बेटा, आज मैं तुझसे एक वादा करता हूँ कि आज के बाद तेरा हर दुख मेरा दुख होगा और मेरी जिंदगी की सारी खुशियां सिर्फ तेरी खुशी होगी। और हाँ, आज से क्योंकि हम तेरे हैं इसलिए आज के बाद तू हमें काका नहीं कहेगी, तू हमें बोलेगी बाबा। क्या बोलेगी? बाबा। बोल 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 बाबा। बाबा मेरा बच्चा। चल खाना खा के फिर आराम से सो जाना। हाँ बाबा ने तो कहा है कि खाना खा लेना, पर काकी ने तो मना किया है ना, तो काकी की बात कैसे टाल दूं? पर अगर खाना नहीं खाऊंगी तो बाबा समझ जाएंगे, तो मैं क्या करूं? खाना खाऊं या ना खाऊं? भगवान जी आप एक काम कीजिए, ये खाना ना आप खा लीजिए। जय श्री राम। अरे सफाइयां सारी हुई कि नहीं? और मिठाइयां? चल जल्दी करो। अरे तुम दोनों कितनी सुंदर लग रही हो। मम्मा देखो इतनी सुंदर ड्रेस है मेरी और विद्या जी के सेम सेम। निधि कॉल मी वी। क्या देख रही है टुकुर टुकुर, नजर लगाएगी हमारे बच्चों पर? विद्या ऐसे अपनी कोई पुरानी ड्रेस दे देना, पहन लेना दिवाली पर। चल चल काम पूरा कर अपना, दोनों चलो हमारे साथ। हाँ हाँ तुझे भी दे रही हूँ, ये ले कल रात की रोटियां बची है खा ले। खा ले।
ये तुम्हारे लिए। वाह, न्यू बुक्स। विद्या, ये तुम्हारे लिए। और सुनो, अपनी पुरानी किताबें है ना, वो दे दो आशी को। जय श्री राम बाबा। जय श्री राम। ये नई किताबें क्यों? आपको पता है ना काकी डांटेगी। काकी को पता लगेगा तब ना। एक काम करना, इसने भी ऐसे कवर चढ़ा दे। आप भी ना बाबा। चल मैं भी तुझे हेल्प करता हूँ। एक कवर मुझे भी दे। ये देखा। आशी बेटा, आज भी तेरी काकी ने सोमवार के नाम पर तुझे भूखा रखा ना। बेटा भूखा मत रहना, ये खा लेना। हाँ जी, फल आप खा लीजिए, हम कल खा लेंगे। जय श्री राम। अजी बेटा जल्दी आ। बाबा हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और आप हमें गाड़ी सिखाने के लिए ले आए। यहाँ से बाएं लीजिए। हाँ हाँ हाँ। अरे लेफ्ट लेफ्ट। तो ऐसे बोलिए ना कि बाएं का मतलब लेफ्ट होता है। वो जो क्लच है उस पर पैर रखिए और गियर चेंज कीजिए। हाँ। अरे नीचे मत देखिए, सामने देखिए। बिना नीचे देखे कैसे देखे हमकी क्लच कहाँ है? जल्द से। बाबा मैं बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं कुछ नहीं होगा, तू बहुत अच्छा कर रही है। बस एक बात का ध्यान रख, जब हम रास्ते में चलते हैं ना तो हमारी नजर मंजिल तो नहीं चाहिए बस। बाबा हमें बहुत टेंशन हो रही है। एक तो हमारे कॉलेज में जो प्ले होने वाला है ना, कोई भी रिहर्सल्स को सीरियसली भी नहीं ले रहा है। अभी आप ही बताइए ना, प्ले के मार्क्स भी तो जुड़ेंगे ना स्कॉलरशिप में। अरे प्ले ही तो है, तेरा दिमाग हमेशा स्कॉलरशिप पे क्यों लगा रहता है? थोड़ा ब्रेक दे गाड़ी को, नहीं अपने दिमाग को ब्रेक मार। अच्छा चला आराम से उठा गाड़ी, चला। दिमाग को तो ब्रेक लगा देंगे, लेकिन अगर काकी को पता चल गया ना तो हमारी हड्डियां जरूर ब्रेक हो जाएंगी। अगर काकी मंदिर से पहले पहुंच गई तो? अरे वो मंदिर से जल्दी नहीं आएगी। और अगर आ गई तो हम तुम्हें के पीछे नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रही है? हम ऐसे ही फ्रीज हो जाएंगे काका, हम बोल रहे हैं। और हम पता क्या बोलेंगे? हम कहेंगे रुकावट के लिए खेद है। अब आराम से ब्रेक मार दो। आप एक काम कीजिए, आप अभी जाइए, कल सिखाने के लिए फिर आ जाइए। हम साफ कर देते हैं। बाबा, अब तो काकी को पता चल ही जाएगा।
अब हम क्या करें? अरे तू घबरा मत, हम है ना, देख लेंगे। बाबा, काकी। वो क्या है कि हम असल में गाड़ी चला रहे थे तो कमला हमसे टूट गया।